गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस स्टार्ट करा था। उसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस की पढ़ चुके थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की फिफ्थ प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, दैट इज़ स्केलिंग एंड सिमेट्री प्रॉपर्टी। तो इस ये प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है? ये प्रॉपर्टी स्टेट करती है कि डेल ऑफ ए एक्स इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? वन अपॉन मॉड ए डेल एक्स। जब a जो आपका जो एक कांस्टेंट है वो ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता और इसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो से ज़्यादा होगी। ये आपकी स्केलिंग एंड सिमेट्री प्रॉपर्टी स्टेट करती है। अब मैं इसको प्रूफ करूँगी। इसको प्रूफ करने के लिए मैं एक इंटीग्रल डिफाइन कर रही हूँ फंक्शन एफ एक्स के लिए। सिंपल एक इंटीग्रल फंक्शन मैं डिफाइन कर रही हूँ स्पेस के लिए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डेल ए एक्स डी एक्स। अब मैं y जो है एक क्वांटिटी है y, उस y को मैं ax के बराबर अगर मान लूँ, मतलब मैं जो चीज़ मेरी x के लिए डिफाइन है उसको मैं y में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, तो y इज इक्वल्स टू अगर मैं ax मानूंगी तो x की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? y अपॉन a रिप्लेस हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये आ जाएगा dy इज इक्वल्स टू a dx, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? dy बाय a। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये ट्रांसफॉर्म होकर इस तरीके से आ जाएगी, डी एक्स की जगह डी वाई बाय ए आएगा, तो वन अपॉन मॉड ए बाहर आ गया। लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फंक्शन एक्स की जगह वाई अपॉन ए डेल वाई डी वाई, ये आ गया आपका। अब ये जो क्वांटिटी होती है आपकी, ये हमने पहले भी प्रॉपर्टीज़ में डिफाइन करा है कि फंक्शन आपका एग्जिस्ट कब करता है। जब ये वाली चीज़ हमने प्रूव करी है कि ये फंक्शन एग्जिस्ट ही कब करेगा, जब आप एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखोगे। तो हमने सिर्फ फंक्शन को एक्स की जगह वाई में ट्रांसफॉर्म किया है, तो चाहे वाई में हो फंक्शन, चाहे आपका एक्स में हो, फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा? जब आपकी वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। ज़ीरो पे फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो ये वाली क्वांटिटी भी एफ ऑफ ज़ीरो के बराबर होगी। एफ ऑफ ज़ीरो को मैं पुरानी प्रॉपर्टी से किसके बराबर लिख सकती हूँ? ये वाली चीज़ इसके बराबर है एफ ऑफ ज़ीरो। ये प्रॉपर्टी मैंने प्रूव कर चुकी हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पर इसकी जगह ये रख दिया। अब इस इक्वेशन को मैं कंपेयर कर लूँ अपनी फर्स्ट इक्वेशन से, जो मैं लेके चली थी इस वाली इक्वेशन से, मैं इस रिज़ल्ट को अगर कंपेयर करूँगी तो मेरे पास डेल ऑफ ए एक्स किसके बराबर आ गया? वन अपॉन मॉड ए डेल एक्स। मैंने इस इक्वेशन को अपनी स्टार्टिंग इक्वेशन से कंपेयर कर दिया, तो जब मैंने इसको कंपेयर करा तो डेल ऑफ ए एक्स किसके बराबर आ गया? वन अपॉन मॉड ए डेल एक्स। ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, मतलब मैंने किसी चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया तो क्या चेंजेस आए? शिफ्ट करा आपने, जैसे आप सामान किसी अपने घर में किसी फर्नीचर को शिफ्ट कर रहे हैं, आपने पार्टिकल की पोजीशन शिफ्ट कर दी, आपने एक्स की जगह उसको एक्स डैश पे रख दिया, तो ये आपकी कहलाती है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन हैज़ अनदर प्रॉपर्टी नोन एज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बाय विच फंक्शन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ओरिजन x इक्वल्स टू जीरो टू एनीदर पॉइंट x डैश। मतलब मैंने फंक्शन को किसी पॉइंट से उठाकर, अगर वो x इज इक्वल्स टू जीरो पर था तो मैंने उसको किसी दूसरे पॉइंट x डैश पे अगर मैंने रख दिया तो क्या चेंजेस आएंगे, किस तरीके के चेंजेस आएंगे फंक्शन में। तो आप अभी तक क्या पढ़ रहे थे? आप ये पढ़ रहे थे कि डेल x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी एट x। आपने जो शुरू में प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो क्या थी? फंक्शन आप किस तरीके से लेके चल रहे थे? आप ये लेके चल रहे थे कि डेल एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी थी जब एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो था। फंक्शन कब एग्जिस्ट कर रहा था? ज़ीरो पे, और ज़ीरो के अलावा किसी भी पॉइंट पे डेल एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी? ज़ीरो आ रही थी। तो मैंने अब फंक्शन को एक्स पे ना रख के मैंने फंक्शन को रख दिया एक्स डैश पे रख दिया, तो मेरा शिफ्ट हो गया पॉइंट। तो शिफ्ट होने के बाद जो मेरा चेंज आया वो क्या आया कि डेल एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी था, अब मेरा फंक्शन शिफ्ट होकर डेल एक्स माइनस एक्स डैश हो गया। तो डेल एक्स माइनस एक्स डैश इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी जब एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डैश होगा। पहले एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे था, अब मेरा फंक्शन शिफ्ट हो गया एक्स डैश पे, तो जो मेरी जीरो पे वैल्यू आ रही थी वो किस पे आएगी? एक्स डैश पे वैल्यू आएगी। तो एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डैश और पे फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, और जब एक्स की वैल्यू एक्स डैश के बराबर नहीं होगी तब हर जगह इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो के बराबर होगी। यानी डेल एक्स माइनस एक्स डैश इज इक्वल्स टू ज़ीरो एट एक्स नॉट इक्वल्स टू एक्स डैश। जहाँ पे भी एक्स एक्स डैश के बराबर नहीं है, यानी ज़ीरो के बराबर नहीं है, वहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। अब पहले जो आपका इंटीग्रल आ रहा था वो क्या आ रहा था? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू वन। अब क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल एक्स माइनस एक्स डैश डी एक्स इज इक्वल्स टू वन। ये सेकेंड प्रॉपर्टी आई।
तीसरी प्रॉपर्टी आप क्या है, एफ एक्स डेल एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो डेल एक्स। अब इस पर भी अगर मैं शिफ्ट लगा दूँ तो मेरा फंक्शन शिफ्ट हो गया, तो एक्स किस में हुआ है, डेल्टा फंक्शन में चेंज हुआ है, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स डेल एक्स, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स डेल एक्स माइनस एक्स डैश इज इक्वल्स टू, फंक्शन की वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, पहले वाले में ज़ीरो पे एग्जिस्ट कर रही है, अब किस पे एग्जिस्ट करेगी, एक्स डैश पे, डेल एक्स माइनस एक्स डैश, ये फोर्थ प्रॉपर्टी आई। द प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट एट एक्स डैश, मतलब कहीं पे भी आप देख लो फंक्शन की वैल्यू आपकी प्रोडक्ट, दो चीज़ों का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा, एक्सेप्ट एक्स डैश जब आप एक्स की वैल्यू एक्स डैश ले रहे हो, जैसे एक्स इंटू डेल एक्स मेरा ज़ीरो आ रहा था इन एनी सिचुएशन, तो जहाँ पे ज़ीरो, जहाँ जहाँ पे आपका एक्स डैश के बराबर नहीं है, यानी जहाँ जहाँ पे ज़ीरो के बराबर नहीं है वहाँ पे मेरी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, ज़ीरो के बराबर आएगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ, इक्वेशन नंबर फोर को मैं इंटीग्रेट कर दूँ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, एफ एक्स डेल एक्स माइनस एक्स डैश डी एक्स, यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एफ एक्स डैश डेल एक्स माइनस एक्स डैश डी एक्स, यहाँ पे मैं इसको बाहर ले लूँ तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल एक्स माइनस एक्स डैश डी एक्स, ये वाला जो इंटीग्रल है, जैसे आपका डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जीरो के वन के बराबर हो रहा था, तो ये वाली क्वांटिटी भी यहाँ पे वन के बराबर हो रही है, तो इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एफ एक्स डैश के बराबर आ जाएगी। हम मतलब सारी प्रॉपर्टीज़ को इसके अकॉर्डिंग चेंज करके देख रहे हैं। अब एक नई चीज़ हम पढ़ते हैं कि हमें प्रूव करना है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स माइनस ए डेल एक्स माइनस बी डी एक्स इज इक्वल्स टू डेल बी माइनस ए, ये मुझे प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए मेरे पास ये चीज़ तो हमें पता ही है, पहले एफ ऑफ ज़ीरो आ रहा था, अब आपका फंक्शन क्योंकि एक्स की जगह एक्स डैश पे शिफ्ट हो गया है तो प्रॉपर्टी चेंज होके क्या हो गई है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डेल एक्स माइनस एक्स डैश डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स डैश, पहले क्या था एफ ऑफ एक्स डेल ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो, अब आपका फंक्शन कहाँ सस्टेन करता है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, एफ ऑफ एक्स डैश पे, क्योंकि फंक्शन को मैंने ओरिजिन से शिफ्ट करके एक्स डैश पे रख दिया है। अब मैं एक्स डैश की जगह क्या डाल दूँ, मैंने उस पॉइंट की वैल्यू दे दी दैट इज़ बी, तो इसको अगर एक्स डैश की जगह बी डालूंगी तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर वन, इस तरीके से चेंज हो जाएगी, तो ये आपकी आ गई इक्वेशन वन से ट्रांसफॉर्म होके ये आ गया। अब मैं क्या कर दूँ, एफ एक्स की जगह क्या रख दूँ, एक्स माइनस ए, मैं एक्स को एक्स माइनस ए पीछे लेके चली जाती हूँ, तो आपका क्या चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, a आ गया, तो एफ एक्स माइनस ए डेल एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू एफ, आपका b पॉइंट कितने से शिफ्ट हो गया, a से शिफ्ट हो गया, तो f ये आ जाएगा आपका डेल, यहाँ पे था आपका डेल डेल b माइनस a, ये आपका प्रूव हो गया। सबसे पहले तो आपने एक्स डैश के लिए प्रॉपर्टी को लिखा, फिर आपने जो फंक्शन था x पे जो डिफाइन था उसको किस पे डिफाइन कर दिया, b x माइनस a पे डिफाइन कर दिया, तो पहले डेल ऑफ b आ रहा था, अब क्या आ जाएगा डेल b माइनस a, ये आपकी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं थ्री डायमेंशनल डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। अभी मैं सिंगल डायमेंशन वन डायमेंशन के लिए सारी चीज़ों को स्टडी कर रही थी, यानी सिर्फ x के लिए स्टडी कर रही थी, अगर मैं x के साथ साथ y और z को भी स्टडी करूँगी तो मेरी प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होगी। तो आपका पहले था डेल ऑफ x, अब क्या होगा डेल क्यूब r या डेल फंक्शन ऑफ x y z या डेल x इंटू डेल y इंटू डेल z। यहाँ पे r आपका पोजीशन वेक्टर है जिसकी वैल्यू है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, पोजीशन वेक्टर है आपका। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एलिमेंट इन होल स्पेस, अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो आपकी इक्वेशन वन है इसको मैं इंटीग्रेट कर देती हूँ, इंटीग्रेट कर रही हूँ पूरी स्पेस के लिए, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में कर रही हूँ तो राइट हैंड साइड में भी करूँगी, तो राइट हैंड साइड में करा तो क्योंकि यहाँ पे एक्स के लिए भी है वाई के लिए भी है जेड के लिए भी है, तो तीनों के लिए अलग अलग इंटीग्रल आएंगे, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल माइनस एक एक्स के लिए हो गया, एक वाई के लिए हो गया, एक जेड के लिए हो गया, तो ये आपकी प्रॉपर्टी आ गई। अब इसको इज इक्वल्स टू वन तो हमें पता ही है, तो हम इसको सिंपली फॉर्म में ऐसे, मैं सिंपली वन डायमेंशनल वाली चीज़ों को
थ्री डायमेंशनल फॉर्म में लिख रही हूँ। सिमिलरली जनरलाइजिंग द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, अब मैं बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखती हूँ। अगर मैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखूंगी तो मेरा पॉइंट क्या हो रहा था, x माइनस x डैश हो रहा था। अब क्योंकि पोजिशन वैक्टर की बात कर रही हूँ तो r माइनस r डैश हो जाएगा। जब r माइनस r डैश करूँगी तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ था एफ एक्स डेल एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ एक्स वाई जेड डेल एक्स माइनस एक्स डैश डेल वाई माइनस वाई डैश डेल जेड माइनस जेड डैश। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही थी, एफ ऑफ एक्स डैश के बराबर आ रहा था ये चीज़। तो अब के बार किसके बराबर आएगा, एफ ऑफ एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश और एफ ऑफ आर डैश, ये आपकी क्वांटिटी हो गई। या हम सिंपली अगर r के फॉर्म में लिखें तो f ऑफ r डैश भी इसको लिख सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे आपको, ये जो चीज़ है ये यहाँ पे आपकी बुक में भी मिसप्रिंट है और मैंने भी इस चीज़ को गलत लिख रखा है, ये f ऑफ b माइनस a होगा ना कि डेल ऑफ b माइनस a। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज़ फंक्शन b माइनस a। अब डेरिवेशंस ऑफ डेल एक्स देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपकी न्यूमेरिकल्स में काम आती है तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। अब अगर मैं एक्स डी बाई डी एक्स डेल एक्स लिखती हूँ तो वो माइनस ऑफ डेल एक्स के बराबर आएगा, ये चीज़ हम प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं सिंपल इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ पर आपकी दो चीज़ें आ रही है ना, आपको आपने u इंटू वी का इंटीग्रल किया होगा तो ये u हो गया, ये आपका v हो गया। इसको अगर आप मानते हैं तो u v इंटीग्रल का फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो फॉर्मूले से आपका आ जाएगा x डेल x, इस पर लिमिट आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डिफ्रेंसिएशन वाला साइन हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा माइनस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल x dx। अब ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि x की किसी भी वैल्यू के लिए प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये इंटीग्रल तो आपका ख़त्म हो गया और आपका सिर्फ ये वाला इंटीग्रल बचेगा, तो ये इंटीग्रल के बराबर आ गई आपकी क्वांटिटी। अब ये चीज़ इसके बराबर आ गई, अब इसको आप कंपेयर कर लो। इसको आप जब कंपेयर करोगे तो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे तो एक्स डी बाई डी एक्स डेल एक्स किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डेल्टा एक्स के बराबर आएगा। ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। अब नेक्स्ट है आपका डेल डैश ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल डैश एक्स, ये देखिए। तो अब मैं क्या करूँ, मैं इसको चेंज करके लिख रही हूँ। डेल डैश को मैं क्या लिख सकती हूँ, डी बाई डी ऑफ माइनस एक्स, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और किसका कर रही हूँ, इसका कर रही हूँ, तो डेल माइनस एक्स। अब आपको हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी यही प्रूव करी थी कि आपका जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होता है वो आपका इवन फंक्शन होता है, तो डेल ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होता है, डेल एक्स के बराबर होता है, एक सम फलन होता है ये। तो यहाँ पे मैं डेल माइनस एक्स की जगह डेल एक्स लिख सकती हूँ, तो और ये जो माइनस है ये बाहर आ सकता है, तो माइनस डी बाई डी एक्स डेल ऑफ एक्स आ गया। अब इस डी बाई डी एक्स को मैं डैश से शो कर सकती हूँ तो ये माइनस डेल डैश एक्स, तो ये आपकी चीज़ प्रूव हो गई। अब जैसे मैंने आपका एक डेरिवेटिव निकाला है, अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालूं, अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव निकालूं, ऐसे मैं कोई भी अगर डेरिवेटिव निकालना चाहती हूँ, डेरिवेटिव्स आपने डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में किए हैं तो आप निकालना चाहते हो, तो अगर आपको mth डेरिवेटिव निकालना है तो आप क्या करोगे। तो अभी तो मैंने एक बार ही इसको, इसमें यू वी का इंटीग्रल एक ही बार लगाया है, इस चीज़ की बात कर रही हूँ मैं, एक ही बार लगाया है। अगर मैं इसको सेकंड टाइम लगाऊँ, इसको मैं थर्ड टाइम लगाऊँ तो आपकी कैसे चीज़ें आएंगी वो हम देखना चाह रहे हैं। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी बाई डी एक्स डेल एक्स डी एक्स, ये इसके बराबर आता है, ये अभी हमने करा था इसको। अब आपको पता है ये इंटीग्रल तो आपका ज़ीरो होता है, तो फर्स्ट टर्म तो हमेशा ही आपकी ज़ीरो हो जाएगी, तो सिर्फ किसके बराबर आएगा, ये चीज़ इसके बराबर आ जाएगी, ये वाली चीज़ इसके बराबर आ जाएगी। अब इसको आप बार बार अगर आप रिपीट करोगे, दोहराओगे इसको बार बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे d बाई डी एक्स आएगा, फिर यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब आएगा, तो ऐसे d की पावर m, क्योंकि मुझे mth डेरिवेटिव निकालना है तो d की पावर m अपॉन डी एक्स एम डेल एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, पहले माइनस, तो माइनस साइन किस पे डिपेंड करेगा, पावर पे डिपेंड करेगा, तो माइनस वन, क्योंकि माइनस आ रहा है तो माइनस वन की पावर m, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे डी एम बाई डी एक्स एम आ जाएगा, एफ एक्स डेल एक्स डी एक्स, मैंने सिर्फ इसको जनरलाइज किया है।
सिंस f ऑफ x डेल x इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 डेल x होता है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा फंक्शन 0 पे ही एग्जिस्ट करता है, तो मैं इसको f ऑफ 0 dxm भी कर सकती हूँ। ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस की। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ ही हैं, उसके अलावा जो आपका कंटेंट दे रखा है बुक में वो पार्ट नहीं है, तो उसको मैं पढ़ाऊँगी नहीं। तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को एक बार जब तक आप खुद अपने हाथ से नहीं करके देखेंगे, आपको कहीं ना कहीं सिर्फ पढ़ के समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। तो आप इसको पढ़ के देखिएगा, फिर भी अगर आपको किसी प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, सो थैंक यू।